नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमासं भजेहम् ओम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान कमलेश्वर की इस भूमि से श्रीनगर गढ़वाल से मैं राकेश भट्ट आप सबका स्वागत करता हूं। जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ा हूं श्रीनगर गढ़वाल का कमलेश्वर मंदिर है। कमलेश्वर मंदिर जो श्रीनगर गढ़वाल की सांस्कृतिक पहचान है, धार्मिक पहचान है, अनुष्ठानिक पहचान है। आज वैकुंठ चतुर्दशी का पावन अवसर है। मान्यता है कि आज इस सृष्टि का जो स्वरूप है भगवान शिव ने उसे विष्णु के हाथों सौंपा था और इस आह्वान के साथ कि भगवान विष्णु अब इस सृष्टि की देखरेख करें और इसके बाद भगवान शिव अपने बर्फानी देश वैकुंठ चले गए थे और आज का यह अवसर वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर के रूप में मनाया जाता है। आज का जो दिन है श्रीनगर गढ़वाल के लिए बहुत विशेष और बहुत महत्व का दिन होता है। इस दिन के लिए श्रीनगर के लोग, गढ़वाल के लोग वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। गढ़ों की गढ़ राजधानी रही श्रीनगर गढ़वाल, इसकी अपनी एक सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना रही है। जहां आज जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, गढ़वाल विश्वविद्यालय जहां है, NIT जहां है, मेडिकल कॉलेज जहां है, SSV अकादमी जहां है, ये तमाम जितने प्रतिष्ठान है वो इस बात का प्रमाण है कि अनादिकाल से इस स्थान को हमारे लोगों ने, हमारे पुरातन लोगों ने किस तरह से महत्व दिया हो। वैकुंठ चतुर्दशी का जो अवसर है आज इस गढ़वाल की जो पुरानी राजधानी है उसके लिए से इसलिए विशेष दिन है क्योंकि इस प्रांगण में कमलेश्वर के इस स्थान पर आज अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज इस मेले से जुड़ने के लिए गढ़वाल क्षेत्र और तमाम जिलों के हजारों लोग आज पंक्तिबद्ध, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के और इस मंदिर तक हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं। लोगों का ये जो जुड़ाव है इस बात का प्रमाण है कि अपनी पुरातन संस्कृति, अपनी धार्मिक आस्था और अपने अनुष्ठानों से हम लोग अभी कितने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। आज का दिन इसलिए भी ये विशेष है कि यहाँ पर निसंतान दंपतियां जो होती हैं वो अपने मन में प्रार्थनाएं कर यहाँ आती हैं और यहाँ पर उनके द्वारा खड़ा दिया दिए जाने का प्राविधान है। मान्यता है कि खड़ा दिया देने के बाद आज की रात अगर रात भर वो दंपत्ति, जो निसंतान दंपत्ति है, खड़ा दिया देती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और ऐसे दर्जनों और सैकड़ों उदाहरण है इस स्थान के जहां निसंतान दंपतियों को उस अनुष्ठान के बाद पुत्र रत्न संतान की प्राप्ति हुई या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये इस स्थान की एक सांस्कृतिक विशेषता तो है ही, साथ ही एक वैज्ञानिक विशेषता भी है। बहुत दूर दूर से हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं, जो NRIs हैं, वो भी आज इस जगह पर आए हैं जिन्हें अब तक ईश्वर ने संतान नहीं दी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न करके निसंतान दंपत्तियां, उनकी कोख भर जाती है और खुशियों से उसका जीवन भर जाता है। इस याचना के साथ, इस प्रार्थना के साथ आज बहुत सी दंपत्तियां यहाँ पर हैं। कानूनी तौर पर उनके पंजीकरण के बाद यहाँ पर उन्हें स्थान मिलता है और तब वे अपना इस अनुष्ठान को पूरा कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त आम जनमानस के लिए भी 365 बत्तियों को देने का प्राविधान है। जी हाँ, 365 बत्तियां इसलिए दी जाती हैं कि वर्ष भर के जो 365 दिन है वो सकुशल बीते, शांति से बीते, यश और वैभव के साथ बीते और जीवन सुगम हो, इस कामना के साथ, इस याचना के साथ इन 365 बत्तियों को दिया जाने का प्राविधान है। मैं भगवान कमलेश्वर से उन सभी भक्तों की याचना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी कामनाएं भक्तजन आज इस अवसर पर लेकर के आए हैं उन सबकी कामना पूर्ण हो, उन सबकी याचना पूर्ण हो, इस प्रार्थना के साथ, इस उम्मीद के साथ
वैकुंठ चतुर्दशी के इस आयोजन पर समस्त प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। जय भोले, जय भोले, जय भोले। और अभी समाज में अच्छा है जितने भी लोग हमारे साथ।